इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय रैना जी, पीपल फोरम प्रेसिडेंट। सर बताएं, जो बताड़ नाला ब्रिज की जो खस्ता हालत है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बताड़ नाला, हजारों लोग की कनेक्टिविटी है, वहां से गाड़ियां आती हैं, बहुत बड़ा रश है, नोग्रह मंदिर है उस तरफ, आर्मी की मूवमेंट है, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप उस ब्रिज को देखें और उसकी जो खस्ता हालत है, ब्रिज के बीच में खड्डे पड़े हुए हैं। पिछले दिनों सुना था कि सरकार ने रिपेयर के लिए वहां पर फंडिंग की है और कुछ इसी तरह लिपापोती की गई, और अभी फिर जाएं वहां पर तो वो खड्डे वैसे के वैसे हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब इसकी इंक्वायरी की जाए, ये कौन से कंट्रैक्टर थे, ये कौन से डिपार्टमेंट ने यहां पर रिपेयर वर्क जो है वो किया था, कि जो कम से कम महीना भी नहीं चला, आज वहां पर देखें इसी तरह गड्ढे हैं। और रात के वक्त जब इतना रश होता है, वहां किसी भी वक्त कोई कैजुअलिटी हो सकती है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है, और पेडिस्ट्रियन तो चलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जिन्होंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लाखों रुपए वहां पर रिपेयर के लिए जो यूज हुए हैं, इसकी इंक्वायरी हो और जो भी गिल्टी हो उसको भी। दूसरी, मैं डी साहब से गुजारिश करूंगा, सर एसीबी आप मोबाइल पर देखें कि जो हमारा ये जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो बार बार लिखता है कि रिश्वत देना जो है वो गुनाह है, कोई आपसे मांगता है तो वो गुनाह है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखते हैं पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, वहां के जो जेई है, वहां का जो ठेकेदार है जिन्होंने यहां पर काम किया है, लाखों रुपए रिपेयर के लिए आया और चला गया। क्या ये जो हार्ड मनी है टैक्स बेयर्स की, भारत के टैक्स बेयर्स की, वो इसी तरह लूट में चली जाएगी? तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि इसकी बाजाबता इंक्वायरी की जाए, जो डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ठेकेदार इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए, ताकि कम से कम लोगों को एक नसीहत जाए, एक मैसेज जाए, जो भी एक मैसेज जाए, जो भी लोग गिल्टी है वहां पर, चाहे वो डिपार्टमेंट के हैं या प्राइवेट है, जो भी गिल्टी है उनके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए। और उनकी तनख्वाहों में से अगर कोई डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं या कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व हैं, इनके जाती एहसास से जो है ये पैसे रिकवर किए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इतने पैसे देती है रिपेयर के लिए, पुल को ठीक करने के लिए, अगर ये प्रॉपर नहीं लगती है तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी, उसको एक बहुत बड़ा धचका है।